बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन मलिक और आप देख रहे हैं हसन मैक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा या फिर कंप्यूटर की ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो चलता है या हैंग होता है, आप इसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने विंडो वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है RUN। यहाँ पर आपने फाइल को ओपन कर लेना है और ये हमारे रन का टैब ओपन हो गया है। और हम इसको शॉर्टकट की से कैसे ओपन करते हैं, कीबोर्ड पर विंडो और आर के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ओपन हो गया है। हमने यहाँ पर टाइप करना है प्रीफेक्ट PREFECT और इंटर कर दे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके पास ये जो सारी फाइलें हैं, आपने इनको कंट्रोल और ए से सारी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और इनको डिलीट कर देना। और हमने दोबारा कीबोर्ड पर विंडो और आर का बटन दबाना है। यहाँ पर हमने टाइप करना है टेम्प TEMP। आपके पास यहाँ पर जो फाइल होंगी आपने उनको भी डिलीट कर देना है। कंट्रोल ए के बटन से सिलेक्ट करके सारों को डिलीट कर दें। और हमने दोबारा टाइप करना है कीबोर्ड से विंडो और आर, और हमने यहाँ पर टाइप करना है TEMP, फिर फीसद लगा देना है एंड में। इंटर पर क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर जो फाइल है हमने इनको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देना है। और हमने दोबारा कीबोर्ड से विंडो और आर का बटन दबाना है और यहाँ पर टाइप करना है TREE और इंटर कर देना है। तो आपकी पार्टीशन में जो सारे फोल्डर हैं ये इनको चेक करके है, ये क्लीन हो गए। और हमने कीबोर्ड से विंडो और आर का बटन दबाना है। अब हमने यहाँ पर लिखना है रीसेंट RECENT, इंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो फाइल आएंगे हमने इनको डिलीट कर देना है। कंप्यूटर को रिफ्रेश करेंगे और रिसाइकल बिन में जो सारी फाइल होंगी इनको हमने डिलीट कर देनी है। और यहाँ पर हमने फिर कीबोर्ड पर विंडो और आर का बटन दबाना है और यहाँ पर लिखना है CL। क्लीन कर हमारे पास आ गए, इनको हम इंटर करते हैं। यहाँ से हमने जिस पार्टीशन को क्लीन अप करना है हम यहाँ पर चूज करेंगे। मैंने अभी 3 को क्लीन करना है, इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर हमने देखना है कोई अनटिक तो नहीं है, जो अनटिक होगा हमने उस पर टिक कर देना है। सारे टिक हुए पड़े हैं, हम सो अप सिस्टम पर करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर देख लें कोई अनटिक तो नहीं है, उस पर टिक कर देंगे। हम इसको ओके पर क्लिक कर देंगे और डिलीट फाइल पर क्लिक करेंगे और ये हमारी क्लीन अप डिवाइस हो रही है। डिलीट फाइल पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डिलीट हो गया है। अगर आपकी विंडोज होने से कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं जो ऑन हो जाते हैं आप उनको डिसेबल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनको डिसेबल किया जाता है। आपने विंडो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने जाना है स्टार्टअप में। जैसा कि स्मार्ट अप USB एंटीवायरस है हमने इसको डिसेबल किया हुआ है, और विंडो सिक्योरिटी हम इसको भी डिसेबल कर सकते हैं, और ये इंटरनेट डाउनलोडिंग मैनेजर हम इसको भी डिसेबल कर देते हैं, और ये गूगल ड्राइव है हम इसको डिसेबल कर देंगे, और ये माइक्रोसॉफ्ट हम इसको भी डिसेबल कर देते हैं, तो यहाँ से क्लोज कर देते हैं। थोड़ा सा तो आपके कंप्यूटर में चेंज हो जाता है इनको डिसेबल करने से। विंडो के ऑन होने से जो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाते हैं वो हमारी विंडोज को स्लो कर देते हैं, इसलिए हमने इनको डिसेबल कर दिया। और अब हमने कंप्यूटर को से रिस्टार्ट कर देना है और हमारी सारी फाइल्स डिलीट हो गई हैं। और अब आप अपनी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी आपके कंप्यूटर में चेंज नहीं आती तो, या आपका कंप्यूटर हैंग होने से नहीं बचता या हर वक्त हैंग होने लग जाता है, तो आप कंप्यूटर को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख के अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे नया लैपटॉप या PC आता है वैसे ही आपका कंप्यूटर हो जाएगा। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।